पेपर लीक और करप्शन को लेकर सचिन पायलट की यात्रा का आज चौथा दिन है। इस बीच कर्नाटक में मिली ऐतिहासिक जीत के बाद कांग्रेस हाईकमान अब राजस्थान पर फोकस कर रहा है। प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा के तेवरों में भी सचिन पायलट को लेकर नरमी देखी जा रही है। उन्होंने पायलट को छोटा भाई बताते हुए अपने पारिवारिक रिश्ते याद दिलाए हैं। हालांकि प्रदेश प्रभारी ने कहा कि सचिन की यात्रा निकालने की टाइमिंग गलत है और उन्हें थोड़ा सा इंतजार करना चाहिए था। वहीं 11 मई को अजमेर से शुरू हुई पायलट की यात्रा शहर की सीमा के नजदीक पहुंच रही है। आज सुबह 9 बजे जयपुर जिले के महला से शुरू हुई यात्रा का पहला फेज करीब दहमीकला में पूरा हो गया है। अब दहमीकला में दिन का विश्राम होगा। यात्रा दूसरे फेज में दहमीकला से महापुरा के लिए शाम 4 बजे रवाना होगी। दिल्ली में मीडिया से बात करते हुए राजस्थान कांग्रेस प्रभारी ने सचिन पायलट की यात्रा की टाइमिंग पर सवाल उठाए हैं। हालांकि रंधावा ने पायलट परिवार से अपने पुराने रिश्तों का जिक्र करते हुए अपने रुख में नरमी के संकेत भी दिए हैं।